दोस्तों ये स्टोरी है दो पुलिस ऑफिसर्स की। एक्चुअली ये एक ट्रू स्टोरी है, सच में हुआ था ऐसा, यूएस में हुआ था। दो पुलिस ऑफिसर्स अपने कार में रेगुलर पेट्रोलिंग पे जा रहे थे, गश्त पे निकले हुए थे, और एक पुलिस ऑफिसर अपनी कार ड्राइव कर रहा था, उसके बगल में उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था। और थोड़े आगे जब गए तो एक सिग्नल पे, एक ट्रैफिक सिग्नल पे उनकी कार रुकी, और उनके सामने एक और कार थी। उसके अंदर वो एक ब्रांड न्यू BMW कार थी, और उसके अंदर जो बंदा बैठा हुआ था सामने ड्राइविंग सीट पे, वो सिगरेट पी रहा था। अचानक से जो पुलिस ऑफिसर, जो यंगर पुलिस ऑफिसर था, उसने जो ड्राइविंग सीट पे था, उसने कुछ नोटिस किया। उसने देखा कि एक जो बंदा BMW में बैठा हुआ है, तो उसने जो है सिगरेट पीते पीते उसको सिगरेट को फ्लिक किया, और उसकी जो ऐश थी उसके कार में ही गिरी, अंदर BMW में, उसकी नई कार में। बहुत ही ऑर्डनरी सी घटना थी, बहुत ही ऑर्डनरी सा ऑब्जर्वेशन था। जो सीनियर पुलिस ऑफिसर था उसने भी देखा, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जो जूनियर पुलिस ऑफिसर था, उसको अचानक एक फ्लैश ऑफ इंसाइट आया। ऐसा कौन होता है जो अपनी नई की नई गाड़ी में, ब्रांड न्यू, वो भी इतनी एक्सपेंसिव BMW कार में, सिगरेट पी के कार के अंदर ही गिरा दे? ऐसा कौन होगा? जिसने खुद गाड़ी खरीदी है वो तो कभी अपनी ऐसी नई गाड़ी के साथ नहीं करेगा। अगर उसने किसी दोस्त से उसकी नई गाड़ी बोरो की है, तब भी वो नहीं करेगा, बिकॉज ही वो तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगा कि अपने दोस्त की नई गाड़ी को ख़राब ना करे। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? द ओनली पॉसिबिलिटी इज़ कि वो कार को उसने चोरी किया हुआ है। चुराई हुई कार है, तो उसको ही डजेंट केयर, उसको कोई मतलब नहीं कि कार ख़राब हो या अच्छी हो, उसको आराम से सिगरेट पी के उसने गिराया। और ये फ्लैश ऑफ इंसाइट उस जूनियर पुलिस ऑफिसर को आया, तो इमीडिएटली वो अपनी कार से बाहर निकला और जाके उसने सामने BMW के ड्राइवर से इंटरोगेशन किया, उसको पूछताछ की, और थोड़ी देर में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, वो कार जो है चोरी की है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक बहुत ही ऑर्डनरी सी इवेंट हुई, एक बहुत ऑर्डनरी सा ऑब्जर्वेशन था, जो कि दो लोग बैठे हुए थे, दो पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे, दोनों ने ही देखा, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर को अचानक से इतना इम्पॉर्टेंट इनसाइट क्लिक हुआ है, लेकिन जो दूसरा था उसको कुछ नहीं समझ में आया। इनफैक्ट उसने रियलाइज़ नहीं किया कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर आता है क्रिएटिविटी। जो जूनियर पुलिस ऑफिसर था, हम कह सकते हैं कि ही वॉज वेरी क्रिएटिव, कि उसने एक नॉर्मल से इवेंट देखी है, ही कुड क्रिएटिवली थिंक अबाउट, उसने क्रिएटिवली सोचा सिचुएशन के बारे में, और उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिला। तो ये स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जो क्रिएटिविटी है, इट इज़ नॉट अबाउट थिंकिंग अबाउट न्यू आइडियाज़ और थिंकिंग अबाउट और डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। बींग क्रिएटिव इज सीइंग द सेम एज एवरीबडी एल्स बट थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स। मतलब क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि आप वही चीज़ देख रहे हैं जो दूसरे भी देख रहे हैं, लेकिन सेम चीज़ें आपके दिमाग में दूसरे इनोवेटिव थाट्स क्रिएट करते हैं, इनोवेटिव इंसाइट्स क्रिएट करते हैं। दैट इज़ अबाउट बींग क्रिएटिव। सो इट टेल्स अस कि क्रिएटिविटी इज नॉट अबाउट न्यू थिंग्स, इट इज़ अबाउट द सेम थिंग्स बट मेकिंग न्यू कनेक्शन बिटवीन दोज सेम थिंग्स। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। जो लोग क्रिएटिव होते हैं, वो लोग बहुत सारे डिसकनेक्टेड आइडियाज़ को आपस में कॉमन पैटर्न्स, कॉमन कनेक्शन, दे आर एबल टू सी दैट, एंड वहाँ से क्रिएटिविटी आती है। 15th, 16th, 17th century के जो ग्रेट साइंटिस्ट हुए थे, जैसे आइसैक न्यूटन हो गए या गैलीलियो हो गए, जिन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की थी। जैसे हम न्यूटन को, वी नो कि न्यूटन इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ फिजिक्स। उनने फिजिक्स में इतने इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, डिस्कवरीज की थी, इतने इंपॉर्टेंट उनके जो 3 लॉज ऑफ मोशन है, दैट इज़ लाइक द फाउंडेशन ऑफ ऑल द फिजिक्स। हमारे जितने फिजिक्स में एडवांसमेंट्स हुए हैं, उसके फाउंडेशन है। लेकिन अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे, तो रियलाइज़ करेंगे कि जो न्यूटन थे, वो अपने समय में फिजिक्स पे तो फोकस उनने किया ही, फिजिक्स की स्टडी की, उसके साथ साथ वो दो तीन और अलग अलग डिसिप्लिन्स और सब्जेक्ट्स में उनको मास्टरी थी, या फिर उनका इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, और वो सबको इक्वली ही स्टडी करते थे। तो जो न्यूटन थे, अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स, उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट किया था इन द साइंस ऑफ एल्केमी। एल्केमी जानते हैं आप, एल्केमी क्या होता है? एल्केमी इज़ द साइंस वेयर, सो एल्केमिस्ट किसको बोलते हैं? एल्केमिस्ट वो होता है जो नॉर्मल कोई भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। सो दैट वॉज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। सो न्यूटन ऑल्सो पुट लॉट ऑफ हिज एफर्ट्स इन स्टडिंग एल्केमी, दैट वॉज असेंशली केमिस्ट्री। तो फिजिक्स तो था ही, केमिस्ट्री में भी उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट, टाइम डिवोट करते थे। एंड देर वॉज अनदर थिंग कॉल्ड थियोलॉजी। थियोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ गॉड, स्टडी ऑफ रिलीजन, विच इज़ वेरी डिसकनेक्टेड फ्रॉम इंजीनियरिंग और साइंस, है ना? लेकिन वो
थियोलॉजी को भी बहुत स्टडी करते थे, तो अपने टाइम पे उन्होंने इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में बहुत गहरी स्टडी की थी। ये अलग बात है कि फिजिक्स में उनके जो डिस्कवरीज थी उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली और धीरे धीरे उसमें और आगे बढ़ते गए वो। ऐसे ही आप चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा, जिन्होंने द थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन इवोल्यूशन जिन्होंने डिस्कवरी की थी, तो उनके भी अगर आप स्टडी करेंगे तो यू विल रियलाइज कि डार्विन ने अपने समय में बायोलॉजी तो पढ़ी ही थी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ी थी, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स की बुक्स लिखी हुई हैं। तो उनके सब्जेक्ट, उनके इंटरेस्ट बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन में होते थे, यू कैन कॉल इट ए मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग और थिंकिंग, दे वर इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ डिफरेंट सीमिंगली डिस्कनेक्टेड। हमको लगता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आर वेरी डिस्कनेक्टेड डिसिप्लिन, लेकिन उनके माइंड में दीज आर वॉट कनेक्टेड इन सम वे बिकॉज दे वर स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स एंड दे वर फाइंडिंग कनेक्शंस बिटवीन दैम। तभी उनकी इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज उन लोगों ने की, तभी वो इतने क्रिएटिव माने जाते हैं, इतने इनोवेटिव माने जाते हैं। सो क्रिएटिविटी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, हाउ टू बी क्रिएटिव। क्रिएटिव होने के लिए आपको यू हैव टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकर, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू फाइंड कनेक्शन बिटवीन देम। सो दिस कनेक्शन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस सीरीज में, इस हाउ टू बी क्रिएटिव सीरीज में, वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ टेक्निक्स टू ब्रिंग क्रिएटिविटी, टू प्रैक्टिस क्रिएटिविटी, टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट आइडियाज, a lot of different ways to bring creativity in your work. और इस series के लिए we are going to use a tool called Creative Backpack. ये Creative Backpack है, ये एक set of cards है, मैं आपको दिखाता हूँ। Creative Backpack ऐसे cards हैं इसके अंदर। So the whole idea of this Creative Backpack is it will stimulate your brain, आपके दिमाग को, आपके माइंड को स्टिमुलेट करेगा और आपको फोर्स करेगा कि आप अपने दिमाग में जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ जो कंपार्टमेंटलाइज हो गए ना, कि फिजिक्स इधर है, केमिस्ट्री इधर है, साइंस इधर है, इंजीनियरिंग इधर है, आर्ट्स इधर है, उन सब के बीच में कनेक्शंस फाइंड करने की कोशिश करेगा। तो दिस विल फोर्स यू हाउ टू फाइंड दोज कनेक्शंस। इसके अंदर 64 कार्ड्स हैं और हम हर वीडियो में एक कार्ड लेकर उस कार्ड को समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल से उस कार्ड को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप इसको ख़रीद भी सकते हैं अमेज़ॉन से, इट्स कॉल्ड क्रिएटिव बैकपैक। इसकी दो तीन और सीरीज़ हैं, एक देर इज़ वन कॉल्ड इनोवेटिव बैकपैक, बट वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस क्रिएटिव बैकपैक। बहुत सारे लोग इसको किस तरह से यूज़ करते हैं कि सो वेन एवर दे आर थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, वॉट दे डू इज़ रैंडमली उसके अंदर से एक ऐसा कार्ड निकाल लेते हैं और फिर उस कार्ड के अंदर जो लिखा होता है उसको देखकर, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के, और फिर सोचते हैं कि उसके कॉन्टेक्स्ट में उनकी प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी काउंटर इंट्यूटिव टूल। आपको लगेगा कि रैंडमली कुछ भी इसमें लिखा, उससे हमारी प्रॉब्लम का क्या रिलेशन, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कि ये कार्ड जो है वो आपको एक अलग डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम क्रिएटिव बैकपैक को यूज़ करके क्रिएटिविटी को स्टडी करेंगे। भाई और बहनों, आजकल अनिल हमारे साथ नहीं है, इसलिए मेरे जो सबसे फेवरेट स्टूडेंट हैं वो मेरे साथ आपके सामने हाजिर हैं। आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? मैं श्री शुक्ला हूँ और मैं इनका बेटा हूँ। थैंक यू। मैं इनका बेटा हूँ श्री शुक्ला और ये मेरे डैडी हैं। और तुमने क्या हाथ में बना रखा है? ये देखो, ये ब्रेसलेट है क्या? हाँ, ये ब्रेसलेट है, लेकिन ये ब्रेसलेट कभी कभी हेयर बैंड भी बन जाता है। इस ब्रेसलेट पर अभी काम जारी है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कीजिएगा और 100 से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और डोनेशन देना मत भूलिएगा प्लीज़। और हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, 21-22 मई को दिल्ली आ रहे हैं, तो हमसे मिलिएगा ज़रूर। बाय बाय। बाय बाय। आप भी चल रहे हैं? हाँ। जा बैठो इसी YouTube।